हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। आज मैं लेकर आई हूँ नान खटाई की रेसिपी। ये नान खटाई तभी परफेक्ट बनती है जब इसमें प्रॉपर क्रैक्स आए, ये मुंह में जाते से घुल जाए और बहुत ही खस्ता बने। तो वही सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नान खटाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, ये 240 ml का कप है। और ये मैदा ग्राम्स में देखें तो 155 ग्राम मैंने यहाँ लिया हुआ है। उसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून सूजी ली है, ये बारीक फाइन सूजी लेनी है आपको। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है घी, ये 2/3 कप मैंने लिया है। अगर आपको ये नान खटाई घी में नहीं बनानी है तो इसके जगह पे आप बटर भी यूज कर सकते हैं, मेल्टेड बटर का आपको यूज करना है। और पिंच ऑफ सॉल्ट हमें लगेगा, 1/2 कप पीसी हुई चीनी लगेगी और इसके साथ 1.5 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी हम और ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1/4 कप बेसन लिया है। ये बेकिंग पाउडर लगेगा हमें 1/2 टेबल स्पून। तो इतनी चीजें लगेगी। नान खटाई बहुत सिंपल है, फटाफट से बन जाती है। अब मैंने यहाँ पे लिया है बाउल और उसमें हम रख देंगे ये छन्नी और सारी ड्राई चीज़ों को हम पहले अच्छे से छान लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और उसके साथ इसमें हम डाल देंगे ये सूजी और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये बेसन। अगर आपको ये नान खटाई प्योर मैदे से बनानी है तो आप बना सकते हो, बस बेसन की जगह पर आपको मैदा ले लेना है। जितनी क्वांटिटी में यहाँ बेसन यूज़ किया है उतनी ही क्वांटिटी में आप इसमें मैदा ऐड करके बना सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये पाउडर शुगर, तो यहाँ पे ये 1/2 कप प्लस 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून हम इसमें और ऐड करेंगे। और उसी के साथ इसमें हम 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देते हैं इलायची का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से छान लेना है। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है नान खटाई बनाना, बहुत कम टाइम में ये बन के रेडी होती है और उतनी ही खस्ता बनती है। अब इसे हम अच्छे से छान लेते हैं। और ये सारी चीज़ों को छान लेने के बाद इसको हम अच्छा सा मिक्स दे देते हैं हाथों की हेल्प से। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे ये घी। यहाँ पे नान खटाई के लिए आपको क्रीमिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे डायरेक्टली इसी तरह से ऐड करके बनाया जाता है घी को। तो नान खटाई घी में ही बहुत अच्छी बनती है, ट्रेडिशनल हम नान खटाई बना रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसकी छोटी सी बॉल बना करके चेक करना है कि ये प्रॉपर बन रही है या नहीं या बिखर रही है। तो देखिए इस तरह से ये अभी भी बिखर रही है। तो इसमें 1 टेबल स्पून में वापस घी ऐड करूंगी और इसको हमें वापस से अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे आपको दूध या पानी का यूज़ नहीं करना है, आपको घी डाल करके ही इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून घी और ऐड कर रही हूँ और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डो बना लिया है और अब मैं आपको इसकी बॉल बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये प्रॉपर बननी चाहिए, ये देखिए इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको घी की क्वांटिटी को एडजस्ट करना है। अब हम यहाँ पे नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा पार्ट लेकर के इसको इस तरह से गोल शेप दे रही हूँ। तो जितनी छोटी बड़ी आपको नान खटाई यहाँ पे बनानी हो उतने साइज का आप यहाँ पे बॉल बना करके रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है। अब इसे हम ट्रे में रखते जाएंगे, बेकिंग ट्रे में, और बाकी की नान खटाई भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। और इसे हम थोड़ा सा दूर दूर ही रखेंगे क्योंकि बेक होते टाइम ये फैलेगी भी और फूलेगी भी। तो यहाँ पे सारी नान खटाई हमने बना ली है, अभी बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसको बेक होने से पहले इसे फिंगर से इस तरह से इम्प्रेशन दे देना है, ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इसे दबाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बीच में इसे प्रेस कर देना है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मिल्क और इसे हम बीच बीच में इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ पे कुछ क्रश करके पिस्ता लिए हैं और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि वो प्रॉपरली स्टिक हो सके, चिपक सके। तो अब मैं यहाँ पे सभी नान खटाई में इसी तरह से पिस्ता को लगा रही हूँ मिल्क की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पिस्ता को अच्छे से लगा दिया है। अब इसे हम बेक होने के लिए रखेंगे प्री हीटेड ओवन में। तो इसे मैं OTG में बेक करने जा रही हूँ 160 डिग्री पे, दोनों रॉड ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने OTG को प्री हीट कर लिया है और टेम्परेचर रखा है 160 डिग्री। टाइमिंग हम सेट करेंगे 20 से 25 मिनट्स और दोनों रॉड ऑन करके ही हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नान खटाई बेक हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से क्रैक्स आए हैं। अब इस ट्रे को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इतना कलर आने तक ही हमें ऐसे बेक करना है, बहुत ज्यादा ब्राउन होने तक बेक नहीं करना है। बस ये थोड़ी सी नीचे से ब्राउन हो जाए उतना ही हमें इसे बेक करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये नान खटाई बनकर के रेडी हुई है। प्रॉपर क्रैक्स आए हैं, प्रॉपर फूली है और उतनी ही खस्ता बनी है। और अभी मैं आपको इसको पास से भी दिखा रही हूँ, ये देखिए पीछे से कितने अच्छे से बेक हुई है। टेक्सचर इसका अच्छा आया है और ये उतनी ही लाइट वेट भी है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर ट्रेडिशनल रेसिपी हमने रेडी करी है। और नान खटाई की रेसिपी तभी परफेक्ट बनती है जब इसमें प्रॉपर क्रैक्स आए और इस तरह से ये फूले और इसका टेक्सचर इस तरह का हो। तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं इसको आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि इसका अंदर से ये कैसे बेक हुई है, इसका टेक्सचर कैसा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।